नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ 15 दिसंबर को हिंसा हुई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सरजील इमाम का नाम भी है। उस पर लोगों को भड़काने का आरोप है। पुलिस ने 13 फरवरी को चार्जशीट फाइल की। 15 दिसंबर को हिंसा के एक आरोपी ने बयान दिया था कि इमाम के भाषण से वह उकसावे में आ गया था। इस बयान के बाद पुलिस ने सरजील का नाम चार्जशीट में डाला। सरजील देशद्रोह के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे ने एक स्टोरी पब्लिश की थी। इसमें बताया था कि सरजील ने CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए एक पैम्फलेट बांटा था। ये पैम्फलेट दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सरजील इमाम के फ्लैट में रखे लैपटॉप से मिला। इसके बाद जामिया हिंसा में सरजील की भूमिका की जांच शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक इसे 14 दिसंबर को छपवाया गया था और जामिया सहित आसपास की मस्जिदों में बंटवाया गया था। CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 15 दिसंबर को जामिया में फिर हिंसा हुई थी। क्या है इस पैम्फलेट में, अब वो सुन लीजिए। इसमें लिखा है रिजेक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस हफ्ते पास हो गया है। ये कानून असंवैधानिक है और मुसलमानों को बेदखल करने के लिए है, उन्हें डिटेंशन कैंप में डालने के लिए है। असम में ये पहले ही शुरू हो चुका है। देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। देश के मुस्लिमों को एक स्वर में NRC और CAB का विरोध करना चाहिए। कश्मीर, बाबरी और अब CAA विरोध के लिए पर्याप्त है। असम जल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। हमारे धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता जिस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, निराशाजनक है। हजारों मुस्लिम युवा दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं, जो हमारे मुद्दों पर इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींच सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने 3 बजे प्रोटेस्ट मार्च बुलाया है जामा मस्जिद से। JNU के मुस्लिम स्टूडेंट्स निवेदन करते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाग लें और चक्का जाम की तैयारी कर लें। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सरजील इमाम पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। 17 फरवरी को ही दिल्ली पुलिस ने जामिया हिंसा मामले में सरजील को गिरफ्तार किया था। साकेत कोर्ट ने सरजील इमाम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में करीब 100 लोगों के बयान शामिल किए गए हैं। पुलिस की जांच में पता लगा है कि हिंसा वाले इलाके में 3.2 mm के खाली कारतूस भी मिले थे। हिंसा का आरोपी कौन है, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहचान और तस्वीरें भी साझा की हैं। इस हिंसा को लेकर अभी तक कुल 17 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें 9 NFC और 8 जामिया इलाके से हुई हैं। चार्जशीट में किसी छात्र का नाम नहीं है। चार्जशीट के मुताबिक 15 दिसंबर को हुई हिंसा में 95 लोग घायल हुए थे। इनमें 47 पुलिसकर्मी हैं। उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान 6 बसें, 3 निजी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था। मामले में अब तक की जो अपडेट्स थे वो हमने आपको बताए। आगे कोई जानकारी आती है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.लल्लनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।